लात्विया के राष्ट्रपति से मिले हैं। नेटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग, यूक्रेन को और हथियार देने पर बात हुई है। तो लात्विया के राष्ट्रपति से मुलाकात की है नेटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने, और यूक्रेन को और किस तरह से हथियारों की सप्लाई की जाए, कैसे हथियार दिए जाए, मदद को और बढ़ाया जाए, इस पर बात हुई है लात्विया के राष्ट्रपति से। और अगली अहम खबर है गाजा युद्ध से यूक्रेन परेशान है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नहीं मिल रहे उसे हथियार और यूक्रेन से दुनिया का फोकस अब हट गया है। तो देखिए, इस युद्ध को लेकर के टेंशन ज़ेलेंस्की के माथों पर है। वजह इसकी ये कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अब हथियार हमें नहीं मिल रहे हैं, यूक्रेन को हथियार नहीं मिल रहा है, जिससे युद्ध लड़ने में कठिनाई हो रही है। तो गाजा युद्ध से कैसे मुश्किल में आ गया है यूक्रेन, ये समझिए कैसे दोनों का जो लिंक है वो एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। तो गाजा युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन मुश्किल में कैसे यूक्रेन है। इजराइल जंग से सहयोगी देशों का जो फोकस है वो मिडल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर गया है, वो प्रो इजराइल शिफ्ट कर गया है, और यूक्रेन को आर्टिलरी के लिए गोले नहीं मिल पा रहे, ये हालात इस वक्त है यूक्रेन के सामने। जी हाँ, यूक्रेन का काउंटर अटैक अब धीमा पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन के पास अब हथियार नहीं है। मिडिल ईस्ट में आर्टिलरी शेल्स की डिमांड बढ़ी है और यही वजह है कि यूक्रेन को हथियार नहीं मिल रहे। मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह आप सभी जानते हैं, इसराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, और यूक्रेन ने यह भी कहा है कि हमारे लिए हथियारों की सप्लाई अब धीमी पड़ गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ राजेश कुमार सर भी हैं। राजेश कुमार सर, सवाल यही उठता है यहां पर कि क्या जो ईरान को चाहिए था, या फिर जो हम देख पा रहे हैं कि जुगलबंदी जिस तरह से, चाहे चीन हो, इधर रशिया, इधर ईरान है, ये सब एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अमेरिका का, नेटो फोर्सेस का जो फोकस है शिफ्ट करना था, डाइवर्ट करना था, उसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं, और इसी बात की चिंता ज़ेलेंस्की ने अब जाहिर की है। ज़रूर, ये जो वेस्ट एशिया में फ्रंट खुला है उससे दुनिया का ध्यान तो वेस्ट एशिया में ही घुसा हुआ है, क्योंकि वेस्ट एशिया एक ऐसी जगह है जहां पे जंग जो है बहुत जल्दी फैल सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग है उसका फैलने के ज़्यादा आसार नहीं है, वो उसी फ्रंट पे लगा रहेगा। अब थोड़ा सा जॉर्जिया की तरफ आ गए हैं, लेकिन जो अगर इसराइल का युद्ध भड़क जाता है ज़्यादा, तो उसमें पूरा मिडल ईस्ट आ जाएगा, और फिर जो है जो तबाही होगी वो दुनिया के लिए ठीक नहीं होगी। इसीलिए ज़रूर यूक्रेन से फोकस हटा है मिडल ईस्ट की तरफ, और ज़ेलेंस्की को ज़रूर इसकी खपत महसूस हो रही होगी। लेकिन बात ये भी है कि कुछ आर्म्स हमस में जो मिले हैं वो पता चला है कि यूक्रेन से ही वो डाइवर्ट हुए हैं, इसका मतलब यूक्रेन में किसी ने उनको बेचे हैं, तो इसका ये मतलब है कि उनके पास अभी भी काफ़ी हथियार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। उनको कई जगह पे कुछ सक्सेसेस भी मिल रही हैं, खेरसोन एरिया में थोड़ा सा उन्होंने ब्रिजेड एस्टैब्लिश किया है, तो और जैसे हमें लग रहा था कि विंटर के टाइम में ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी, लेकिन काफ़ी घमासान लड़ाई हो रही है खेरसोन के आसपास। और यानी कि ये कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की दरअसल कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं सर, उसके हिसाब से तो यही समझ में आता है।